मल्टीग्रेन फ्लावर प्रोसेसिंग बिजनेस मार्केट रिसर्च एंड स्कोप की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि साल 2016 से 2022 में बाकी किसी आटे की तुलना में मल्टीग्रेन आटे के उपयोग में काफी बढ़ोतरी आई है और आगे भी होने की पूरी संभावना है। रॉ मटेरियल्स मल्टीग्रेन आटे के व्यवसाय में आपको विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, रागी, बाजरा और मक्का आदि की जरूरत पड़ेगी। वैसे मिश्रण के लिए अनाजों का चुनाव आपकी इच्छा अनुसार भी हो सकता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता होगी वो हैं वाइब्रेटर प्री क्लीनर, डी स्टोनर, मैग्नेटिक सेपरेटर, डिस्क सेपरेटर, ग्रेन पल्वराइजर, प्लान शिफ्टर, सीलिंग एंड पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी और उपकरणों के तौर पर सेंट्रीफ्यूगल फैन, बिन्स और स्टोरेज टैंक्स आदि की जरूरत होगी। वहीं अगर इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए मैन पावर की बात की जाए तो बिजनेस शब्द से ही जाहिर है कि ये एक व्यक्ति द्वारा तो करना असंभव है, इसलिए इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 7 से 8 वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 स्किल, 2 से 3 अनस्किल्ड और सुपरवाइजर और अन्य वर्कर्स आदि भी इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस की, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें इस वीडियो के अनुसार रॉ मटेरियल में गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, मक्का को मंडी से खरीदना होगा या फिर चाहे तो आप इन्हें सीधा किसानों से भी खरीद सकते हैं। आप इन्हें मार्केट डिमांड या अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद इन्हें बारी बारी क्लीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां इनमें से धूल, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, मेटल या किसी भी प्रकार के अनावश्यक कणों को रिमूव करके इनकी क्लीनिंग की जाती है। फिर इन्हें वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर मशीन से गुजारा जाता है, जो इसमें से पत्तियां, लकड़ी इत्यादि जैसे अन्य गंदगी को अलग कर देती है। इसके बाद इसे डी स्टोनर मशीन से गुजारा जाएगा, जो इसमें उपस्थित पत्थर को अलग कर देती है। इसके बाद इसे मैग्नेटिक सेपरेटर के पास किया जाता है, जो इसमें से प्रेजेंट मेटेलिक इम्प्योरिटीज को अलग कर देगी। अब पार्शियली क्लीन ग्रेन्स को कन्वेयर की सहायता से डिस्क सेपरेटर मशीन में फीड किया जाएगा, जो एस्पिरेशन चैनल की सहायता से इम्प्योरिटीज एंड अनावश्यक ग्रेन को अलग कर देती है। इस स्टेप के बाद आप बारी बारी से ग्रेन्स को मिलिंग सेक्शन में फीड करेंगे। मिलिंग सेक्शन में चक्की से आटा पीसेगा और आटा पीसने के बाद ब्लोअर और पाइप की मदद से सीधा प्लांट शिफ्टर में जाएगा, जहां आटे को छाना जाता है। आटा छानने के बाद इसे कई स्टेप में मिलिंग, शिफ्टिंग और ब्लेंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जब तक रिक्वायर्ड क्वालिटी का फ्लोर मिल नहीं जाता। अब अलग अलग तैयार आटे के रिक्वायर्ड कम्पोजिशन के अनुसार ब्लेंडिंग की जाएगी। इसे बाद में मिक्स्ड या मल्टीग्रेन आटे की क्वालिटी चेक की जाएगी। अब आपका मल्टीग्रेन आटा बनकर तैयार है। आप इसे पैक करके मार्केट में ब्रांड नेम के साथ सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको भागों में बांटने की दृष्टि से बात करें तो पहला भाग हो गया सबसे पहले क्लीनिंग, और हमने सभी तरह के धानों को क्लीन करके रख लिया। उसके बाद है ब्लेंडिंग या मिक्सिंग। उस जो हमारा रेसिपी है, जो हमारा रेशो है, उस रेशो से हम वेइंग स्केल से, छोटे प्लेटफॉर्म स्केल से हम उसको अलग अलग तोल लेंगे। मान लीजिए कि हमको 200 किलो मल्टीग्रेन आटा बनाना है, जिसमें 50% गेहूं है और बाकी के 50% में 4, 5, 6 या 8 तरह के धान हैं। तो जो भी हमारी रेसिपी है, उस रेसिपी से हम उसको तोल लेंगे और तोलने के बाद उसको मिक्स कर करके फिर हम चक्की के अंदर उसको फीड करेंगे, तो वहाँ से हमको जो है मल्टीग्रेन आटा मिल जाएगा। प्लांट एरिया रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर मशीनों द्वारा प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी एरिया में इंक्लूड किया जा सकता है। इस बिजनेस में प्रारंभिक स्तर पर आपको लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, और जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ सकती है। और इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो इतने एरिया में आपको कम से कम 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट की। अब तक तो आप इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारी हासिल कर ही चुके होंगे, लेकिन अब आपको हम इस बिजनेस की सबसे अहम जानकारी देते हैं जो इसमें लगने वाली पूर्ण लागत और कमाए जाने वाले मुनाफे की जाहिर है। मुनाफा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। स्मॉल स्केल पर 18 से 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, और जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपए है। वहीं इस लागत से आप इस बिजनेस में लगभग 12 से 15 प्रतिशत तक का मार्जिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंसेस, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इन लाइसेंसेस की भी जरूरत होगी, जैसे GST, FSSAI, उद्यम और ट्रेडमार्क। बता दें कि ट्रेडमार्क ऑप्शनल है। देश के सबसे पहले वर्चुअल इनक्यूबेटर IID की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको यूनिक और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहे, और अपनी इसी मुहिम में हम पूरी तरह से संलग्न हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। अगली बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। अगर आप भी IID के इस उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और आज ही कॉन्टेक्ट करें IID से। नीचे स्क्रीन पर हमारा ईमेल ID और कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, और अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस की डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप Entrepreneur India Live को भी डाउनलोड करना ना भूलें।